there. It's all over the news. Extreme act of daylight shootout. A man was shot in the head in Merchant Square in central London. Sources claim that the deceased belonged to the MI6. The agency has not yet released an official statement about the shootout. According to Roger, I need to know who is helping this carnal friend of ours. How much time you reckon he will take? No time, sir. Good. मैंने कहा था ना तुझे तुझे ढूंढ निकालूंगा सर मैं आपसे डोंट कॉल मी सर डोंट जब तक सांस है तब तक सर ही बोलूंगा सर अगर आपसे बर्दाश्त ना हो तो गोली मार दीजिए मैं गलत नहीं हूं सर रियली रियली सर सर आपने वो वीडियो देखा है जिसमें कोई पीछे से आकर हमारे एक सीआरपीएफ जवान को धक्का मार देता है There was a lot of so-called UN cry. बड़ा हल्ला हुआ था सर देखा था ना आपने मेरे साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ सर पर मुझे धक्का मारा है हमारे इस पॉलिटिकल सिस्टम ने धक्का मारा तो पता चला कि कितना करप्शन है कितना मैनिपुलेशन है हर जगह इट्स ऑल जस्ट अ ब्लडी बिजनेस आपने कहा जय हेडफोन्स डालो सुन के बता क्या चल रहा है मैंने सुनना शुरू किया सर पता चला पहले एक फिर दो फिर तीन फिर जैसे आप कहते हैं ना हमाम में सारे नंगे सिर्फ 14% लोग यहां टैक्स भरते हैं सर और उसी 14% से सबकी ऐश चल रही है और मरते वो हैं जो इन ऐश करने वालों के खिलाफ आवाज उठाते हैं और जो ईमानदार लोग हैं जो काम करना चाहते हैं जैसे कि आप उन्हें कुछ छोटा मोटा देकर बिजी रखा जाता है बस यही फर्क है भाई सर मैं मेजर जय बख्शी जिंदगी में खामखा बिजी नहीं हो सकता जान देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर और यहां भी जानते हैं पर किसके लिए जानते हो एक चोर था जब पकड़ा गया तो चिल्लाने लगा देखो देखो तो ये चोर है देखो वो चोर है देखो सब तरफ चोर ही चोर है गलत कहानी सर एक ईमानदार फौजी था एक दिन लड़ते लड़ते बहुत दूर निकला जब आग खुली तो पता चला कि वो चोरों की बस्ती में है फौजी ने बहुत सोचा और अपनी वर्दी उतार दी अब आप ये कहानी यही रोक सकते हैं या फिर इस रियलाइजेशन पे कि फौजी ने वर्दी में चोरी नहीं की ये जो तेरी पीढ़ी है ना जो है दिस ब्लडी जनरेशन सॉरी टू इंटरप्ट यू सर बट दिस इज नॉट फेयर 70 साल में करप्शन को बढ़ावा हमसे पहली वाली जनरेशन ने दिया हमने नहीं आप बड़े हैं आदर है रिस्पेक्ट है पर विरासत में क्या छोड़ के जा रहे हैं We are dealing with somebody's lack of honesty, sir. And I'm not complaining. I'm just refusing to be a part of this. Sir, gun. Please, gun. Jai. आपका बनता है सर आप माने या ना माने ऐसा गलत सोचना भी मैंने आप ही से सीखा है तो तेरा यही स्टांस है चल धंधा करते हैं क्यों बिजनेस करना है ना तुझे क्या चाहिए आपको हमारी यूनिट हमारे सोर्सेस
मुझे उनके ऊपर एक खरोच नहीं चाहिए। बदले में तुम और ये लड़की जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। तुम दोनों को बख्श दूंगा, या तो ये होगा या फिर तुझे मार के मारूंगा। पर मुझे अपनी जिंदगी की कितनी पड़ी है तो तुझे पता ही है। अय्यार की अय्यारी, आप आज तो छोड़ देंगे लेकिन आगे जिंदगी में जो कॉन्फिडेंस था हिल गया। नहीं सर, जो आप पे था बढ़ गया। मुकेश कपूर, ऐसे ही आग कम लगी थी कि वी हैव अ डील सर, मुझे दीजिए। हेलो मिस्टर कपूर, मेजर जय बख्शी है। हाय जय, यू थिंक यू कैन गेट अवे विथ ऑल दिस? यस, एंड यू विल हेल्प मी। मेरे पास जो आपके खिलाफ रिकॉर्डिंग्स है वो किसी पेन ड्राइव या लैपटॉप पे सेव नहीं है। क्या आप मुझे मार कर मेरे लैपटॉप को लेकर सेफ हो जाएंगे? वो डेटा है जो अलग अलग अकाउंट्स में कुछ 12 जगह स्टोर्ड है। मैं किसी भी कॉफी शॉप में बैठकर फ्री वाईफाई पर उस डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। और अगर बाय चांस मुझे कुछ हो जाता है और मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ कांटेक्ट पे नहीं आता हूं अगले 24 घंटों में, तो वो लोग भी कहीं भी बैठकर उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड मी मिस्टर कपूर? क्या चाहिए तुम्हें? आस्क योर गाइस टू पैक ऑफ नाउ। मैं कल आ रहा हूं आपसे आपके ऑफिस में मिलने के लिए। लेट्स डू सम बिजनेस टुगेदर। इज दैट ओके विद यू? ओके। अबे सर, अब आपका मेरा। पहाड़गंज के सीमा लॉज के रूम नंबर 212 में एक आदमी 3 हफ्तों से छुपा है। उसका नाम है बाबूराव शास्त्री। उसके पास एक कहानी है जो आपके बहुत काम आएंगे। सर, मुंबई में कोलाबा में एक प्लॉट है सी कासल के आगे। वहां पे एक छोटा सा कुत्ता था जो अक्सर बीमार रहता था। सर, राजा, let him go. Okay, sir.